दोस्तों जो लगातार काउंटिंग चल रही थी उसकी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। एनडीए 290 तक सिमट कर रह गया है, लेकिन जबरदस्त उछाल इंडिया गठबंधन में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी 230 सीटों के इर्द गिर्द ही नाचती हुई नजर आई है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जबरदस्त जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि हर कोई समाजवादी पार्टी को दे रहा है। जी हां, नायक के तौर पर अखिलेश यादव उभरे हैं। जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ, मोदी, शाह, स्मृति ईरानी सबको मजा चखा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद पूरे देश में सिर्फ अखिलेश यादव के नाम का जिक्र हो रहा है। आज मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इन सब के बीच एक धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा है वो क्लियर कर दिया गया है। जी हां, जिसे सुनने के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले मैं बता दूं आपको वो बड़ी खबर जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हैं। दरअसल जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए। जी हां, लड्डू बांटने के लिए तैयार हो जाइए, उत्साह मनाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि अंदर खाने से खबर निकल कर आई है कि कांग्रेस के बाद अगर इंडिया गठबंधन में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किसी ने किया है तो वो प्रदर्शन अखिलेश यादव ने किया है। अब अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने पर विचार किया जा रहा है, यह आज की बड़ी खबर है। यही नहीं, एक ऑफर दिया गया है एनडीए के घटक दल को, नाम है जनता दल यूनाइटेड। उनसे कहा गया है कि अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो यकीन मानकर चलिए आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी डिप्टी पीएम यानी उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड भी जल्दी आ सकती है और ये सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी गई है। लेकिन अखिलेश यादव क्यों प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर पर नजर डालिए, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, 80 में से 36 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, बढ़त जबरदस्त। बीजेपी के खाते में मात्र 34 सीटें, कांग्रेस 7 सीटें, आरएलडी 2 और चंद्रशेखर की 1 सीट, यानी कुल मिलाकर अगर अभी भी आप आंकड़ा देखेंगे ये वाला तो 44 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में है, जिसमें से 36 सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है। कौन समाजवादी पार्टी? वही जिसके परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वही समाजवादी पार्टी जिन्हें परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा था, वही समाजवादी पार्टी जिनको लेकर मोदी, योगी, शाह डरे हुए थे कि ये कहीं अखिलेश खेल ना बिगाड़ दे, और देखिए अखिलेश यादव ने खेल बिगाड़ दिया है। अब मैं आपको जरा एक एक खबर, एक एक सीट के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूं कहां कहां क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए ये जो सीट है, इस सीट में जाकर देखिए इकरा हसन, ये इकरा हसन को लेकर एक खबर बड़ी निकल कर आई है कि इकरा हसन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ी, और जो ठाकुरों का नाराजगी देखने को मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी से, उस नाराजगी का कहीं ना कहीं फायदा उठाया गया है। तो इकरा हसन ने कैराना सीट से चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट इकरा हसन जबरदस्त जीत की तरफ। दूसरा नाम देखिए मुजफ्फरनगर, समाजवादी पार्टी के हक में हरेंद्र सिंह मलिक चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये दूसरे कैंडिडेट है। अब आइए आगे, यहां पर अगर आप आते हैं तो देखते हैं मुरादाबाद से रुचि वीरा को मैदान में उतारा गया था, रुचि वीरा ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जीत की तरफ बढ़ रही है। अगला नाम रामपुर से समाजवादी पार्टी मोहिबुल्ला चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये जियाउर रहमान संभल से, आपको मानूंगा शफीकुर रहमान वर्ग के ये परिवार से आते हैं जियाउर रहमान, और ये भी जीत की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। इसके आगे आइए, आगे है सीट बदायूं, बीजेपी धर्मेंद्र दुर्जयविजय सिंह शाके हैं बदायूं सीट से बीजेपी के बताए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो सीट है निकलती हुई नजर आ रही है बीजेपी की, लगातार दावा किया जा रहा था। आंवला सीट से बात की जा रही है समाजवादी पार्टी नीरज मौर्य आगे, ये बदायूं सीट से मैं आपको बता रहा दुर्विजय सिंह शाके जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो हार की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन इन सब के बीच आदित्य यादव को लेकर चर्चाएं तेज है, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं। एटा में आ जाइए, देवेश शाके समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रत्याशी है, चुनाव जीतने जा रहे हैं, एटा सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी अक्षय यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है, चुनाव जीत रही है। अगला नाम आता है कन्नौज से अखिलेश यादव जबरदस्त जीत हासिल करने जा रहे हैं। अब आइए अगला नाम, जो अगला नाम है इससे बिल्कुल सटा हुआ इटावा, जितेंद्र कुमार दोहरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, बेहतरीन जीत, यानी कि यहां पर भारत समाजवादी पार्टी ने झंडे गाड़ दिए इस इलाके में। जालौन में जाते हैं, जालौन का जिक्र इसलिए क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका है, यह नारायण दास अहिरवार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जीत। फतेहपुर समाजवादी पार्टी के खाते में नरेश
चंद्र उत्तम पटेल, ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नरेश चंद्र उत्तम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगला नाम देखिए बांदा से, ये भी बुंदेलखंड की सीट है, समाजवादी पार्टी, कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल चुनाव जीतने जा रही हैं। आगे आ जाइए, इधर लेकर चलता हूं अलग जगह, खीरी। खीरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद होगा ये लगातार सवाल उठाते रहे थे कि अजय मिश्र टेनी, जिसके बेटे ने आशीष मिश्र टेनी ने किसानों के छाती पर अपनी गाड़ी थार चढ़ा दी थी, उसका मुद्दा लगातार गूंजता रहा, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में जब असर उसका नहीं दिखाता तो कहा जाने लगा ये सारा का सारा मुद्दा काफूर हो गया, लेकिन किसानों में नाराजगी थी। और देखिए खीरी में समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा मधुर चुनाव जीत गए। इधर आइए धौलेरा, समाजवादी पार्टी के हक में जा रही है भी आनंद भदौरिया चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगला नाम आता है मोहनलालगंज से, आर के चौधरी, समाजवादी पार्टी, ये मोहनलालगंज इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लखनऊ से सटी हुई सीट है, लखनऊ में जरूर राजनाथ सिंह अच्छे मतों से जीत रहे हैं लेकिन उससे बिल्कुल सटी मोहनलालगंज में एसपी के आर के चौधरी चुनाव जीतने जा रहे हैं। आगे आ जाइए, ये है श्रावस्ती सीट, यहां से राम शिरोमणि वर्मा चुनाव जीतने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। अब आइए फैजाबाद, जिसे अयोध्या भी कहा जाता है, ये अखिलेश यादव के सरकार में मंत्री रहे अवधेश प्रसाद, यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये चुनाव जीत गए, अयोध्या से चुनाव हार गए लल्लू सिंह। अगला नाम देखिए, अगला नाम है बस्ती से, समाजवादी पार्टी के राम प्रसाद चौधरी चुनाव जीत गए। अगला नाम संत कबीर नगर से, समाजवादी पार्टी के लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद चुनाव जीते। अगला नाम अंबेडकर नगर से, समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा चुनाव जीत गए। अगला नाम सुल्तानपुर से है, राम भूवल निषाद चुनाव जीत गए। प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह पटेल चुनाव जीत गए। कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीत गए। फतेहपुर बता ही चुका हूं आपको कि किस तरह के वहां हालात बने हुए हैं। और इन सब के बीच देखिए बुंदेलखंड का जिक्र कर लें, मध्य उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लें, यहां चुनाव जीता जा रहा, अंबेडकर नगर का हो गया है। अब आ जाइए जौनपुर, जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। प्रतापगढ़ से शिवपाल सिंह पटेल, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, घोसी से समाजवादी पार्टी के राजीव राय, वो भी कौन, घोसी से चुनाव लड़ा किसने, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव हार गए। अब अगला नाम आ जाइए, अगला नाम है गाजीपुर से, समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी, जिनके भाई को लेकर माहौल बनाया मुख्तार अंसारी के, वो लेकर अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। चंदौली से समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत गए। रॉबर्ट्सगंज से छोटे लाल चुनाव जीते हैं। और एक आखिरी सीट जो बलिया, जिसका जिक्र मैंने लगातार किया, सनातन पांडे बलिया से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इन्होंने भी जबरदस्त जीत हासिल की है। कुल मिलाकर मोदी, योगी, शाह, नड्डा सबको अखिलेश यादव ने बड़ा बुरी तरह से फेल किया है। ये आप चिंतन का विषय होगा कि आप लगातार सत्ता में रहते हैं और उसके बाद तमाम तरह की बातें करते हैं, बुलडोजर का जिक्र करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने आखिरकार इन तमाम बीजेपी के धुरंधरों को पानी पिला दिया है। नमस्कार।